Assalamu alaikum dear students, welcome back xpacademy.com जहां पर आप step by steps AutoCAD उर्दू जुबान में सीख रहे हैं। Dear students, आज के इस lesson के अंदर मैं आपको edge surfs के बारे में बताऊंगा कि edge surf कैसे यूज किया जाता है AutoCAD के अंदर। Dear students, इस shapes की मदद से, इस command की मदद से हम लोग different लाइनों को, different shapes को combine कर देते हैं। यानी कि इसमें आपके पास फोर लाइनें या तीन या चार लाइनें इसलिए होनी जरूरी होती हैं और इन तमाम के कॉर्नर्स यानी कि एंड पॉइंट्स एक दूसरे के साथ टच कर रहे हो। जब इन तमाम के कॉर्नर्स एक दूसरे के साथ टच कर रहे होंगे यानी कि इनके एंड्स जो हैं, एंड पॉइंट्स या एंड एजेस जो हैं एक दूसरे के साथ टच करेंगे तो फिर ये आपके पास काम करेगा। ये आर्क के ऊपर अप्लाई होता है, पॉलीलाइन के ऊपर अप्लाई होता है, थ्री डी पॉली लाइन के ऊपर अप्लाई होगा, एसवी लाइन के ऊपर अप्लाई होगा, जितनी भी इसके अंदर लाइनें होती हैं ऑटोकैड के अंदर हम उनके अंदर इस चीज को अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए डियर स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं लेसन। तो मैंने अपने पास ऑटोकैड अपना ओपन कर दिया है। अब यहां पर सबसे पहले मैं कोई एक शेप बना लेता हूं। तो सबसे पहले तो यह है यूनिट्स अपने सेटिंग में ले जाए। मैंने यूनिट्स एंटर किए, मैं से कहता हूं इंजीनियरिंग, फिट सरिंच, डायमेंशन एंटर कर दे डी, अब इसको आप डायमेंशन दे दें, इसको भी मैंने इंजीनियरिंग कर दिया, इंजर फिट्स किया, ओके करके आप इसे क्लोज करते हैं। अब आप इधर एक बॉक्स उठा लें, एट द रेट इसको मैं दे देता हूं 70 इंच और 70 इंच की वैल्यूज दे देता हूं। मेरे पास छोटा 15 है लिहाजा मैं इसे बड़ा बना लेता हूं, एट द रेट मैं इसे देता हूं तकरीबन 50-50 फीट की वैल्यू दे देता हूं। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, मेरे पास एक बॉक्स बन चुका है। अब इस बॉक्स के चारों शेप पे मैं अगर फर्ज करें एक जैसी शेप बना डालूं, एग्जांपल के तौर पे मुझे आर्क चाहिए थी, इसको मैं 90 के पर ले जाता हूं। मैं इसे 90 के पर लेके, तो 90 के पर लेकर जाने के लिए आपको मॉडिफाइड 3D ऑपरेशन और रोटेट 3D का यूज करना होगा। सिलेक्ट करें, इंटर, एक पॉइंट आपने दे दिया और दूसरा पॉइंट आप में से 90 की वैल्यू देता हूं। देखिए मेरे पास ये आ गया। इसी की कॉपी में इस तरफ बनाना चाहूंगा अपने पास यहां पे, और अब वापस मैं इसी को ही रोटेट कॉपी कर लेता हूं। यहां से कॉपी करने के बाद अगेन अब मैं इसको सिंपल रोटेट लगाऊंगा। ये देखिए मॉडिफाइड में क्या, रोटेट के ऊपर क्लिक किया, ये मेरे पास आ चुका है और इसको आप मूव करके इधर लें। अगेन इस शेप को मूव करके इधर ले जाता हूं। अब यहां पर ये स्टूडेंट्स आप देखें कि जो मैंने आर्क ली है तो ये तमाम पॉइंट्स से टच हो रही है एंड में, यानी कि ये तमाम पॉइंट एक दूसरे के साथ टच हो रहे हैं। अब अगर आप ड्रॉ के अंदर चलो सरफेस में जाएं तो देखिए आपके पास एज 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 सरफेस की ऑप्शन आ जाती है। इसमें आप कहते हो आपका एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट और ये आपका चौथा पॉइंट। आप इसको 4 पॉइंट्स दिए हैं तो देखिए आपके पास ये कुछ इस तरह की शेप बनी आ जाएगी। अब ये शेप आप नॉर्मली वैसे बनाएं तो आपके पास ये शेप नहीं बनेगी कभी भी। इसी तरह से अगर मैं इसको कॉपी कर देता हूं, आपके पास मैं आगे ले गया ऐसे और मैं अब कुछ चीजें इसमें से माइनस कर देता हूं। लेट्स से मैंने ये शेप माइनस कर दी है और अब नीचे तो एक ही लाइन है, मैं क्या कर लेता हूं इसको मैं एक्सप्लोड कर देता हूँ, यानी कि मैंने इसको सिलेक्ट किया, एक्सप्लोड कर देता हूँ, एंटर कर दे। अब ये तमाम लाइन आपके पास अलग अलग हो जाएंगी, मीन्स अगर ये लाइन आपके पास ना हो, ये ना हो, ये ना हो, तो ये शेप आपके पास ऐसे बन रही है, यानी कि यहां से बिल्कुल सीधी है, आगे से इधर से ऐसे। तो बाज़ूकात आपको ये शेप भी अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर अगर चाहिए हो तो फिर आप वो कैसे बनाएंगे देखें, उसके लिए भी आपको यही शेप उठानी होगी। आप इधर चले जाएं, सरफेस में चले जाएं और ए सरफेस में आप 1, 2, 3 और ये 4। अब देखिए, अब अगर मैं आपको इसको रोटेट करके दिखाऊं, देखिए पीछे से बिल्कुल ये सीधा आया और यहां से ऐसे शेप बन चुका है। इसी तरह से मजीद इसके अंदर अगर आप शेप बनाना चाहें इसके लिए तो आप इसको कॉपी करें, इसको इस तरफ ले आता हूं और एजेस को खत्म कर देता हूं, साइड्स वाले बॉर्डर्स को भी खत्म कर देता हूं। यहां पे मैं एक लाइन लेना चाहूंगा,
इस तरफ को और यहां से मैं इस तरफ को लाइन देना चाहूंगा। कॉपी बना लेता हूं, एक और शेप में आगे ले आता हूं। मकसद मेरा आपको ये बताने का है, ये मुख्तलिफ टाइम पे मुख्तलिफ शेप्स पे ये काम करता है। अब एक पॉली लाइन ले लेता हूं, मैंने इसको पॉइंट दिया, ए एंटर कर दे आर्क के लिए, तो मैं कुछ आर्क भी ले लेता हूं यहां पे। पॉली लाइन के बारे में क्या, पॉइंट दे दिया और मैंने ए एंटर कर दिया आर्क, तो आप इसे दे दे। ऐसे मैं देता हूं, बल्कि मैं इसको ऐसे बना लेता हूं, यहां से ऊपर की जानब, फिर नीचे की जानब, फिर ऊपर की जानब कर लेता हूं। ठीक है, पॉलीलाइन, मैंने इसको पॉइंट दे दिया, मैंने ए एंटर कर दिया आर्क के लिए, और मैंने यहां पर कुछ पॉइंट से यहां पे दे दिए हैं, कुछ पॉइंट में से यहां पे दे देता हूं, कुछ इस तरह के, और अगेन मैं यहां पर आ जाता हूं। ठीक है, मेरे पास ये जो शेप बनी हुई है, अब मैं क्या करूंगा, अपने आप को मॉडिफाइड 3D ऑपरेशन रोटेट 3D क्लिक किया, एंटर करें, एक पॉइंट ये रहा, दूसरा पॉइंट ये है, और मैं अपने आप को 90 पे लेके चला जाता हूं। इसी तरह से दूसरी तरफ भी मैं यही शेप बना लेता हूं, इसको आप मिरर कर दें अपने पास, ये पॉइंट दे दें, F8 कर दें, तो देखिए अब ये पॉइंट्स बिल्कुल अपने पास परफेक्ट जगह पर मिरर हो चुके हैं। अब आप ड्रॉ के अंदर जाए, सरफेस आई सरफेस 1, 2, 3 और ये 4, देखिए आपके पास उन्हीं 4 पॉइंट्स के अंदर भी वही कुछ जैसे आपके पास सरफेस होंगी वैसे आपके पास शेप्स बने आ जाएंगे। ठीक है, इसी तरह से अगर आपके पास ये शेप है तो अगेन आप ड्रॉ के अंदर जाए, सरफेस में जाए और आई सरफेस में जाए 1, 2, 3 और ये 4, देखिए आपके पास यहां पर भी ऐसी शेप बनी आ जाएगी। तो बाजू का डी स्टूडेंट्स, आपको इस शेप्स का यूज करना पड़ेगा, बिल्कुल सिंपल सा मेथड है, आपने 4 पॉइंट्स देने हैं। अब मैं आपको ये बताना चाहूंगा ये कब काम नहीं करता, यानी कि एक सरफेस कब आपके पास वर्किंग फॉर्म में नहीं होता। देखिए अगर आप यहां से इसको कोई नॉर्मल सा गैप दे देते हैं, मैंने इसको बिल्कुल नॉर्मल सा गैप दे दिया है, आप ड्रॉ के अंदर जाएं, सरफेस के अंदर चले जाएं और आई सरफेस के अंदर 1, 2, 3 और देखिए ये मैंने 4 पॉइंट्स दिए। अब देखिए ये नहीं हो रहा, क्यों, आपके पास यहां से ये कॉर्नर मिस कर रहा है। तो डियर जब ये आपके पास कॉर्नर को मिस कर देगा तो ये आपके पास काम नहीं करेगा। आपके पास कॉर्नर का होना जरूरी है, चाहे वो किसी भी फॉर्म में क्यों ना हो। ये देखें मैंने अब इसको एस फॉर्म में ले लिया है, तो इसको आप वापस इसी ऑप्शन के अंदर चले जाएं 1, 2, 3, 4, इसको काम करना चाहिए और इसने काम किया। लेकिन जब आप इसके कॉर्नर्स को एक दूसरे से अलग कर देंगे, एजेस को अलग कर देंगे, तो ये कभी भी आपके पास काम करके नहीं देगा। अब यहां पर अगर आप एक और चीज को नोट करें, यहां पे इसके बहुत वीक पॉइंट्स हैं। तो हमारे पास सरफेस में ना होता है सब टाइप 1 और सब टाइप 2 आपके पास होते हैं। मैंने इनको ऑलरेडी 12 किया हुआ था, आइए उनको और ज्यादा करके देखते हैं। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, एस यू आर एफ टी ए बी, सब टाइप 1 मैंने इसको दे दिया 24 और सब टाइप 2 भी मैं इसको देता हूँ 24। अब ड्रॉ के अंदर चले, सरफेस और आई सरफेस 1, 2, 3 और 4, देखिए डियर स्टूडेंट्स वही शेप है, वही जगह है। देखिए पहले यहां पर कुछ कॉर्नर्स थे, अब उतने कॉर्नर आपको दिखाई नहीं दे रहे। तो ये चीज होती है, आपको सरफेस को साथ साथ हर डायग्राम के साथ काम ज्यादा करेंगे तो उसके आपको अपने प्लस के माइनस पॉइंट्स आपको नजर आएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स ये तो था हमारा आज का लेसन। मजीद मालूमात और अपडेट के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.xpacademy.com, जहां पर तमाम कंप्यूटर कोर्सेज आपको फ्री ऑनलाइन करवाए जाते हैं। एंड में एक टेस्ट लेने के बाद आपको xpacademy.com की तरफ से एक सर्टिफिकेट इशू किया जाता है, जिसकी हार्ड कॉपी वजरिया TCS आपके बताए हुए एड्रेस के मुताबिक आपको भेज दी जाती है। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स xpacademy.com की तरफ से आपके लिए एक DVD तैयार की गई है, जिसके अंदर AutoCAD स्टेप बाय स्टेप आपको बताया जाता है, A to Z जितना भी AutoCAD यूज हो रहा है वो आपको बताया जा रहा है, 2D plus 3D। देन इसके बाद आपके लिए मैप कलेक्शन सीडी तैयार की गई है, जिसके अंदर सेक्शन, एलिवेशन, आपके पास फाउंडेशन,
सिंबल्स, इंटीरियर डिजाइंस, मुख्तलिफ किस्म के ऑब्जेक्ट्स आपके लिए बनाए गए हैं। अगर आपको वो भी चाहिए तो आप हमारी हेल्पलाइन पे हमें कॉल कर सकते हैं। हेल्पलाइन के लिए हमारा नंबर है 0343-901-7779 पे, या आप हमें किसी वक्त ईमेल कर सकते हैं xpacademy@ymail.com, या हमें आप स्काइप पे हमारे साथ आप रब्ता कर सकते हैं। स्काइप पे, स्काइप के लिए हमारा एड्रेस है xpacademy। तो डी स्टूडेंट्स, अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन फिर मिलते हैं, उस वक्त तक के लिए मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।